किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृष्ण चंद्रा, निदेशक राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। आपको जैसा कि मालूम ही है कि हमारा ये कृषि मंत्रालय के अंदर में भारत सरकार का एक सबॉर्डिनेट ऑफिस है। जैसा कि ये इस समय नवंबर चल रहा है, ठंडी का सीज़न हल्का हल्का शुरू हो गया और इस समय आप सभी किसान भाई आम के पेड़ है उसके लिए जो आप धुलाई करते हैं, तो इस समय हम भी हमारे वहाँ भी आम के पेड़ लगे हैं उसकी भी धुलाई करने जा रहे हैं। तो क्या हम इसमें आम के पेड़ की धुलाई करेंगे तो उससे फ़ायदा आपको मालूम ही है, क्योंकि आप लोग उससे जो धुलाई करते हैं केमिकल्स डालते हैं, तो हम इसमें केमिकल नहीं डालते हैं। हम खाली वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन लेंगे, उसके साथ में जो हमने खरपतवार हैं 10-12 तरह की जो हमने पत्तियाँ ली थी, जिसमें नीम की पत्ती थी, आँख की पत्ती थी, अंडी की पत्ती थी, मोगल, जो भी आपके पास पत्तियाँ हैं वो सारी की सारी पत्तियाँ पीस के एक एक किलो पीसने के बाद फिर हमने वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन में डाला। जितना हमने लिया था 12 किलो पत्तियाँ थी, उसके अंदर 20 लीटर हमने करीब डबल उसमें वेस्ट डिकम्पोजर डाला और एक बार दिन में चलाने से 20 दिन के बाद वो रेडी हो गया। तो बनाने के बाद हमने छान लिया था, छानने के बाद देखिए इसमें रखा हुआ ये कंटेनर है हमारा, इसके अंदर वो पत्ती का अर्क निकाल कर रखा गया, तो ये हम यूज़ करने जा रहे हैं। अब इसका जो हम क्या करेंगे 30% गोल, क्योंकि हमारा पास कम एरिया है, तो आपको जो लिए आप 100 लीटर या 1000 लीटर, आपके जगह एरिया ज़्यादा है तो 1000 लीटर आप लेंगे आप वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन, जो 7-8 दिन पुराना होगा, पुराना ज़्यादा भी है तो कोई नुकसान नहीं, उसको लेने के बाद उसके अंदर आप जो पत्तियों का अर्क है, अगर 1000 लीटर लिया तो उसमें कम से कम 30% मतलब 300 लीटर डालेंगे, 300 लीटर आप अर्क डालेंगे। हमने छोटा लिया है तो देखिए ये अर्क में हमने छोटे प्लांट के लिए लिया है, तो आधा बाल्टी हमने ये सोल्यूशन ले लिया है, करीब 10 लीटर के आसपास है, और इसमें हम ये डालेंगे, इसके अंदर धीरे धीरे इसके अंदर डालेंगे 30% मतलब इसके अंदर डाल सकते हैं, तो हम क्योंकि अधिक हो जाए कोई नुकसान नहीं है, इसमें करीब 1 लीटर के आसपास हमने डाल दिया। अब ये क्योंकि गाढ़ा हमारा वेस्ट डिकम्पोजर है तो इसके साथ पानी डालेंगे, अब पानी से इसको पूरा भर देंगे, बाल्टी को पूरा भर देंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका कोई नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है, और इसी को ये सोल्यूशन को अब हम पेड़ को पूरा नहला देंगे। देखिए ये हमारा तैयार हो गया, आपके पास जो भी स्प्रेयर है, जो स्प्रेयर आपके पास पड़ा है उससे आप इसको लेंगे। देखिए स्प्रेयर में इसको हमने भरना शुरू कर दिया, पूरा बाल्टी से ही डाल दें जितना आ जाएगा उसमें, एक छलनी इसके अंदर आपके वहाँ लगी होती ताकि कोई बड़ा मटेरियल आ जाए तो उसमें छन से बाहर ही रह जाए, हमारे नोजल चोक ना हो, तो ये सब आपको पहले से मालूम है। इसमें खाली मेन ये है कि वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन आधा मतलब हमने 1000 लीटर लिया आपके बड़े हिसाब से, और उसमें 300 लीटर हमने ये खरपतवार का जो जूस है, पत्तियों का जूस है, डाल दिया। जो खरपतवार के जब पत्तियों के जूस की बात करते हैं तो उसके मतलब उसमें जो पेड़ के अंदर फल लगे हुए, जो धतूरा है वो भी आ जाता है, धतूरे का फल भी आ जाएगा, आपके बेसरम है बेसरम के पत्ते भी आ जाएंगे, उसके साथ फूल भी आ जाएंगे। अभी देखिए बन गया, अब इसी से हम पूरा का पूरा इसको नहला देंगे, जो प्लांट को बोलते हैं हम नहाते हैं, इसे प्लांट को भी पूरा नहला देंगे, कोई भी जगह प्लांट की बाकी न रहे, तो इसको हम दिखाने जा रहे हैं कैसे नहलाने जा रहे हैं। आप इस तरह से इसको नहलाइए, देखिए इसको नहलाने जा रहे हैं, पूरा नहला के जितने अच्छे से नहलाएंगे और जितना नीचे तक जाएगा तो वो आपको ज़मीन को भी फायदा करेगा प्लस आपके प्लांट को भी फायदा करेगा, तो वो हम वही आपको डेमोंस्ट्रेट करना चाह रहे हैं। तो इस समय आपके पास जो भी पेड़ है, तो खासतौर से आम के पेड़,
फल वाला सबको नहलाना जरूरी है। साल में कम से कम दो बार अगर नहीं हो सके तो एक बार जरूर नहलाएं। आप अभी आम के पेड़ में ज़्यादा बीमारी आती है तो इसलिए आप उसको कम से कम तीन बार ऐसे नहला, एक अभी नहला नहीं आए उसके बाद फिर आप एक महीने का उसके लिए फिर देखिए प्लांट को हम लोगों ने पूरा नहला दिया। आप इसी तरह से बाकी नहला के तो ये खाली एक ही प्लांट के लिए सबके लिए हर एक प्लांट में आप ऐसे कर सकते हैं। प्लांट को नहला देंगे तो उससे बीमारियां तो दूर होंगी होंगी। अब एक स्प्रे हमने किया, इसके बाद दूसरा स्प्रे फिर हम रिपीट करेंगे एक महीने में। फिर जो आखिरी स्प्रे करेंगे उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट डालेंगे। उसके अंदर 1000 हमने लिया वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन, 300 लीटर फिर हम लेंगे आपका ये खरपतवार जो है उसको 300 लीटर, उसके साथ में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट 100 लीटर माइक्रो न्यूट्रिएंट डालेंगे। और इसके अलावा जो आपने पत्थरों के जो जूस है जो निकाला हुआ है उसको 50 लीटर डालेंगे। तो ये सारा का सारा एक साथ मिला के मिलाने के बाद फिर हम लास्ट स्प्रे इसके ऊपर करेंगे ताकि इसके बाद जो हमारा प्लांट में बौर आएगा जो फ्लावरिंग आएगी तो अच्छी आएगी और बीमारियां उसमें बहुत कम होंगी, बीमारी दिखाई नहीं देगी। तो ये आपका जो है तरीका है खाली वेस्ट डिकम्पोजर उसके साथ सारे जूसेस को यूज़ करके एक साथ मिला के यूज़ करें। बनाएंगे अलग अलग लेकिन जब यूज़ करें एक साथ करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया हर एक प्लांट के लिए जो बड़े पेड़ हैं सबके लिए यही फार्मूला है, सबको प्लांट को कम से कम 2-3 बारी आप इसको नहलाइए और नहला के उसको देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स बिल्कुल अलग आएंगे। और वेट ना करिए कि बीमारी आ रही है, सबसे बड़ी बात आप देखते हैं हम वेट करते हैं बीमारी आए तब हम करें, बीमारी आने के पहले ही आप इसको करिए। बिना केमिकल के कोई केमिकल जरूरत नहीं, इससे उपचार कीजिए तो आपका जो फसल आएगी वो बिल्कुल केमिकल फ्री आएगी। आपका जो फ्रूट्स आएगा उसका स्वाद अलग होगा, फ्लावरिंग आपको अलग तरह की फ्लावरिंग बहुत ही घनी फ्लावरिंग दिखाई देगी। तो हमने अभी जैसे आपको आम को किया, अभी हम जामुन है जामुन पे करेंगे, तो हमारे जितने प्लांट यहाँ पर हैं हम उस पर सब पे करेंगे। आप भी इसका इसे करके फ़ायदा लें और जब आपको रिजल्ट मिले तो उसका अपने वीडियो बना के शेयर करें, आपको देखें क्या क्या जो बताया जा रहा है उससे क्या अधिक रिजल्ट मिल रहा है।